त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुष्ट सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सादर प्रणाम। एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद, इनफैक्ट तकरीबन डेढ़ महीने के एक लंबे पीरियड के बाद दोबारा हम मुख्तार शाह ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब पेज से आपकी खिदमत में है। आप सभी को सादर प्रणाम, मोहब्बत भरा आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग। एंड बहुत सारे मुल्कों में सुबह हुई है, तो उन सभी को वेरी गुड मॉर्निंग भी। एम थ्री इवेंट्स की ओर से आज का विशेष कार्यक्रम अलका जी एंड रोहिणी जी फ्रॉम यूएसए के सहयोग से हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम जो है वो मदर्स डे स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे आज 16th में संडे और मदर्स डे, तो पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, तो बिल्कुल हम उसी दिन ये कार्यक्रम करने वाले थे। और जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता ही है कि इसका जो पैम्फलेट है, इसका जो पोस्टर है, वो ऑलरेडी बहुत पहले रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली न जाने क्यों, पता नहीं पूरी दुनिया को वैसे, लेकिन हमारे मुल्क को कुछ ज़्यादा नज़र लगी है किसी की, कि सेकेंड वेव जो है कोविड का, वो बहुत बुरी तरह से लोगों को आहत कर रहा है, और हमारा शहर अहमदाबाद भी उससे अछूता नहीं है। बहुत बुरे हालात थे उन दिनों, तो इसके चलते हमने ये शो जो है वो 9 मई की जगह आज आप तक पहुंचाना तय किया है। तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत, और बैक टू नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता फिर जिंदगियां हो रही है। खुदा से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में पहले जैसी बहारें, पहले जैसी खुशियां और पहले जैसी सेहत और रौनकें लौट आए। द मुकेश आज के विशेष कार्यक्रम है। भारतीय फिल्म संगीत जगत के महान फनकार मुकेश जी के गीतों को हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चूंकि मदर्स डे स्पेशल आज का ये कार्यक्रम है, तो पहला गीत जो है वो दुनिया की तमाम जननियों को समर्पित करते हैं, माओं को समर्पित करते हैं। एक ऐसे कलाकार के जरिए आज की शाम रोशन होगी, जिसकी आवाज, जिसके अंदाज को एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने बेहद पसंद किया है। वो आपकी दुआओं में शामिल है, वो आपकी हंसियों और खुशियों में शामिल है, वो आवाज़ जिसने कई नए नए आयामों को छूते हुए कई नए नए इल्काबों को हासिल किया है, वो और कोई नहीं है, आप सभी के अपने हरदिल अजीज फनकार, द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश जी, श्री मुख्तार शाह आपके बीच। द मुकेश की हमारी ये मदर्स डे स्पेशल शाम, पहला गीत भारतीय परंपरा को पूरे विश्व में बड़ी मजबूती से पहुंचाता हुआ ये भजन है वैसे, लेकिन माँ पर है आज का कार्यक्रम, माओं को समर्पित विशेष कार्यक्रम है, तो ये भजन माँ को समर्पित एक बहुत ही मशहूर भजन, आप सबकी समातों की नज़र गुजरात के एक मशहूर कवि खलील धनतेजवी साहब के इन शब्दों के साथ, कि मौत को भी बतला दो बिठा कर सामने, जिंदगी हर वक्त गुजारी है कजा के सामने, हम तो यूं ही टूट कर कब के बिखर जाते, मगर आंधियां मजबूर थी मां की दुआ के सामने। आइए माओं को समर्पित ये कार्यक्रम मुख्तार शाह आपकी खिदमत में लेकर। मैया मोरी ओ खायो मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो, कहत सुनत में आकर काहे झूठा दोष
या मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। जमुना के तट पर काल बाल संग चार पहर में खेला, ओ गैया चरावत बंसी बजावत है साझ की बेला। भूख लगी तो दौड़त दौड़त सीधा मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। कोई मैंने मटकी थोड़ी ना कीनी कोई चोरी, ओ जान लिया क्यों मुझको झूठा तूने मैया मोरी। अपने अंग कैसे समझा तूने आज परायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी हो, मैं नहीं माखन खायो। मैं तो बाबा नंद का लाला काहे चोर कहाऊं, ओ अपने घर में कौन कमी जो बाहर माखन खाऊं। बात सुनी तो यशोधा हंसकर कंठ लगायो, फिर बोली तू नहीं माखन खायो। गोविंदा मोरे तू नहीं माखन खायो, रे कृष्णा मोरे तू नहीं माखन खायो।
थैंक यू सादर प्रणाम नमस्कार आप सब लोगों को। प्यारे दोस्तों, आज 16 मई संडे एक बार फिर से काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद, तकरीबन मेरे ख्याल से पिछला शो हमने 4 अप्रैल को किया था, 3rd and 4th April मुझे याद है, दोनों दिन हम कंटिन्यूस प्रोग्राम कर रहे थे, बीच में पूरा रमज़ान का एक महीना भी हमारा गुजरा और परसों हम सब ने मिलकर ईद सेलिब्रेट की, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम देते हैं। और आज संडे एक बार फिर से हमारे यूट्यूब के चैनल पर आप सबके समक्ष हम उपस्थित हैं। मदर्स डे का प्रोग्राम, जैसा मोहसिन ने बताया शुरू में कि हम 9 मई को करने वाले थे, लेकिन थोड़ा लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है और काफ़ी सब कुछ कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमने सोचा एक हफ्ता थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और 16 मई को ये प्रोग्राम करेंगे। सो बहरहाल आप सब आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। इसी तरह से आज के इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए हमारे साथ। और द मुकेश, आज सिर्फ सोलो मुकेश जी के गीतों का ये प्रोग्राम है, तो इसलिए कोई फीमेल सिंगर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन तकरीबन अगले 1.5-2 घंटे तक ये मुकेश जी के गीतों का प्रोग्राम हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। अगला जो गाना है वो मुकेश जी को याद करते हुए, कैसे महान फनकार जिनके गाने जो हैं तकरीबन 1053 के करीब होने के बावजूद इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत, इतनी पॉपुलैरिटी के आज तकरीबन 44-45 साल उनको गुजरे हो चुके, लेकिन आज भी हम उनके गीतों को उतना ही आनंद के साथ सुनते हैं, उतना ही एंजॉय करते हैं और उतनी ही खुशी होती उनकी आवाज़ को सुनकर। ये गाना हम मुकेश जी को समर्पित कर रहे हैं, फिल्म है बंदिनी, SD बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत। जाने वाले हो सक तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सक तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सक तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए,
ऐसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बात कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बिल्कुल दोस्तों साथियों, दुनिया तलाश रही है और जमाना यकीनन ढूंढ रहा है मुकेश जी के पर्याय को। जी हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जो एक बार चले जाते हैं वो लाख मिन्नतों के बावजूद भी दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं आते। खैर, महान फनकार मुकेश जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, और साथ ही साथ जो महामारी चल रही है फिलहाल उसमें जितने भी लोगों ने अपनी जिंदगियाँ खोई है, हमारे अपनों ने जिंदगियां खोई है, उनकी आत्मा को भी हम शांति प्रदान करें भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं खिराज अकीदत उनके रूह को सुकून मिले। खैर, मुकेश जी के बारे में तो क्या कहें, बिल्कुल मुख्तार जी ने बताया, बहुत सीमित दायरे में रहकर इस महान फनकार ने अपने कैरियर को एक मकाम पर अचानक से छोड़कर इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। लेकिन इतनी कम क्वांटिटी के बावजूद भी उनकी गायकी में वो डेप्थ, वो गहनता थी दोस्तों, कि उनके गीत इतने पॉपुलर है कि हर एक इंसान के जबां पर बड़ी आसानी से वो गुनगुनाए जाते हैं। और दर्द भरे गीतों के बादशाह मुकेश जी को कहा गया है, ये सच भी है, क्योंकि दर्द जब भी उनके गले से छलका, सुनने वालों के सीने को छलनी कर दिया, तार तार कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुकेश जी ने कई रोमानियत से भरपूर रोमांटिक गीतों को भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में ढाला है। जब कभी भी खूबसूरत साथी हमारे हम सफ़र की तारीफ या उसकी मोहब्बत में कुछ कसीदे पढ़ने हों, तो आज भी बड़ी सहजता से मुकेश जी के गाए हुए गीत हम अपनी जबान पर लाते हैं और अपने साथी को सुनाते हैं उसके चांद से मुखड़े की तारीफ करते हुए। क्या आइए मुख्तार जी आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे ही खूबसूरत चेहरे के दीदार के बाद महबूब का, माशूक का क्या हाल होता है, सुनते हैं अगले गीत में। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो तब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो तब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा।
नाजुक सी कलियां, बातें मिसरी की डलियां, ओट गंगा के साहिल, गुल पे जन्नत की गलियां, आंखें नाजुक सी कलियां, बातें मिसरी की डलियां, ओट गंगा के साहिल, गुल पे जन्नत की गलियां, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आँखें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आँखें भरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। रोमांटिक गाना था मुकेश जी का गाया हुआ फिल्म फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आज का ये प्रोग्राम जो है वो M3 इवेंट्स जो हमारी कंपनी है और उसके एसोसिएशन में हैं अलका जी, ये लखनऊ की रहने वाली हैं, और रोहिणी जी जो USA से हैं, इन दोनों ने कोलेब्रेशन में हमारे साथ ये प्रोग्राम आप लोगों के खातिर आज ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हम उन दोनों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं, जो गाना जिस गीत के ज़रिए मैं इससे पहले भी हमेशा कहता रहा हूँ कि मैंने ये वही गाना था जिसके ज़रिए मैंने मुकेश जी के गीतों के गाने की शुरुआत की थी अपने स्कूल डेज में। फिल्म है कभी कभी, खयाम साहब का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है, साहिर लुधियानवी साहब ने इस गाने को लिखा है, अमिताभ बच्चन जी पर फिल्म आ गया ये गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे,
करे मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। ये अनफॉर्चुनेटली वही फिल्म है जिस फिल्म के एक और खूबसूरत गीत के लिए मुकेश जी को उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर गायक का पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, ये फिल्म का टाइटल था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। खयाम साहब का संगीत, साहिर लुधियानवी साहब, अपने ज़माने के अपने दौर के एक बहुत ही खुद मिजाजी शायर, वो शायर जिसने मौजूदा दौर पर तो तंज कसा ही अपनी कलम के ज़रिए, लेकिन आने वाला देश, आने वाली दुनिया कैसी होगी उसका भी कहते हैं विवरण बड़ी सुंदरता से अपनी कलम के ज़रिए अपने गीतों में ढाला। यही बात थी जो पूरे बाकी शायरों से, बाकी गीतकारों से साहिर साहब को अनूठा और अलग करती थी। कितना खूब लिख कर गए साहिर साहब, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। है ना सच्चाई, कितनी सच्चाई। और ऐसा ही एक खुद मिजाजी इंसान था इस इंडस्ट्री में, जो अपनी कला के लिए, अपने विजन के लिए पूरी इंडस्ट्री से अलग और अनूठा दिखा। इसीलिए इंडस्ट्री ने उसको दिल में बसाया, माथे पर बैठाया और नाम दिया द ग्रेट शोमैन राज कपूर। जी हाँ, मुकेश जी का जिक्र और राज कपूर का नाम लबों पर ना आए हो ही नहीं सकता। एक सिक्के की दो बाजुएं और दोनों ही बहुत ही गहरे और अच्छे मित्र। आइए, उनकी मित्रता न केवल फिल्मी संगीत या फिल्मी पर्दे तक सीमित थी बल्कि पारिवारिक मित्रता भी बहुत गहन थी। वो सब किस्से फिर कभी सुनाएंगे। फिलहाल फिल्मी पर्दे की मित्रता का एक अद्भुत चित्रण, एक अद्भुत किस्सा आपके सामने खोल रहे हैं मुख्तार शाह साहब। राज कपूर जी की एक बहुत ही सुंदर सी फिल्म, कल्याण जी आनंद जी साहब का प्यारा सा संगीत और बोल क्या है, मुख्तार जी से सुनते हैं। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, रोक रहे हैं राह मेरी नैना तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वहीं सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, मैं हूँ गरीबों का शहजादा जो मांगो वो दे दूँ, शहजादे तलवार से खेले मैं अशकों से खेलूँ, मैं अशकों से खेलूँ।
बाहरे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम छलिया मेरा नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। राज कपूर साहब का जिक्र चला है तो कंटिन्यू दो गाने और उन्हीं पर पिक्चराइज किए हुए और या उनकी फिल्म से। अगला जो गाना है फिल्म अनाड़ी से हम आपको सुना रहे हैं। 1959 की ये फिल्म है, शैलेंद्र साहब ने लिखा है, शंकर जयकिशन जी इसके संगीतकार हैं। और जब भी हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में इतनी तादाद में आप सब हमारे साथ जुड़े होते हैं मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और आगे के इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी दुनिया ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी दिल का चमन उजड़ते देखा प्यार का रंग उतरते देखा हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी क्या बात है, क्या खूब लिखा कविराज शैलेंद्र जी ने। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। जी हाँ, उन्होंने खुद ने भी कहते हैं जिंदगी के आखिरी लम्हे में दौलत नहीं कमाई क्योंकि वो दिल से जो भी किया दिल से किया और वो कर्ज का बोझ ही था जिसके कहते हैं दबाव में वो इतने परेशान हो गए कि अचानक इस दुनिया को उन्हें छोड़ना पड़ा। और राज कपूर भी ऐसे ही व्यक्ति थे। अपनी फिल्मों में लाखों की लागत से बड़े बड़े राजमहल बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को दिखाने वाले राज कपूर जिंदगी के बहुत बड़े हिस्से तक यहाँ कहा जाता है कि वो एक किराए के मकान में चेंबूर में रहा करते थे। जी हाँ, इसीलिए तो ये लोग महान है क्योंकि जो कुछ उन्होंने पर्दे पर किया एक आम आदमी के किरदार को निभाया वैसी जिंदगी भी उन्होंने जीने का प्रयास किया कहीं ना कहीं और बहुत कमाल की व्यक्तित्व के मालिक थे। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो कहर फैला है ये वैसे बहुत ईश्वर की तरफ से खुदा की तरफ से हम कह सकते हैं कि हम इंसानों को जो हमारा किया कराया है हमारा जो कर्म है
उसी का ही बदला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसी महामारी में भी, ऐसे माहौल में भी, जो मौके तलाश रहे हैं, है ना, कालाबाजारी कर रहे हैं, दाम बढ़ा करके चीज़ों के बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी। हमारे गीतकारों ने, हमारे कविराजों ने, हमारे लिरिक्सिस्ट ने कई बार हमें आगाह किया है, बरसों से जो ये सिलसिला चला रहा है। हमारे फिल्मी गीत जो है वो हमारे साथ इसलिए ज़िंदगी के बहुत करीब है क्योंकि उसमें हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है इसका सबक भी है और प्यार कैसे करना है उसका लेसन भी है। केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे हमारे 50s, 60s, 70s और 80s के गीत, वो ज़िंदगी का सबक भी देते थे कि हमें कैसे जीना है। आइए ऐसा ही एक ज़िंदगी का खूबसूरत सबक अगली पादान पर, राज कपूर जी की एक फिल्म और द मुकेश टाइटल है आज का। मुकेश जी ने, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, कि अपना जो कैरियर है वो एज ए एक्टर शुरू किया था। वो आए थे तो अदाकार बनने, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और उन्हें पार्श्व गायक बना दिया। तो अगला जो गीत है उसमें मुकेश जी ने छोटी सी भूमिका, किरदार, वो गाड़ीवान का किरदार किया है। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बहादुर शाह जफर साहब को याद करेंगे। बहुत खूबसूरत दो लाइनें लिख कर गए हैं कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में। बस वही चार दिन की ज़िंदगी को हमारे गीतकार शैलेंद्र साहब ने कितनी खूबसूरती से अपनी कलम से बयां किया है। आइए सुनते हैं हम सब के अजीज़ फनकार मुख्तार शाह साहब से। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने पलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश वीराना, तुझको अपने पलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अकियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अकियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, चार दिन की
जवानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों। फिल्म से ये गाना था 1953 की ये फिल्म थी। अगला जो गाना है वो भी मुकेश जी ने जैसे दर्द भरे गाने बहुत सारे गाए, बहुत सारे इमोशनल गाने गाए और ख़ास करके उनकी जो आवाज़ है वो ऐसे ही गीतों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और जानी गई। लेकिन बहुत सारे गाने उन्होंने रोमांटिक भी गाए हैं। अगला गाना वो एक ऐसा ही गीत है, फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर ये गीत फिल्माया गया। सबक फिल्म का गाना है और सावन कुमार जी ने इस गाने को लिखा है और उषा खन्ना जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। बरखरानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए घूम कर बरसो। बरखरानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए घूम कर बरसो। बरखरानी बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए घूम कर बरसो। बरखरानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, ये बहुत ही खूबसूरत नगमा, बिल्कुल रोमांटिक गाना था ये। ऐ अबरे करम तो इतना बरस के वो आ ना सके, और वो जब आ जाए तो फिर इतना बरस के वो जा ना सके। तो यही कुछ भाव था, यही कुछ जज्बात थे सावन कुमार टांक साहब की लिखी हुई एक खूबसूरत कंपोजिशन जिसे उषा खन्ना जी ने संगीतबद्ध किया था। कार्यक्रम अब तक आप तक पहुँचा, हमें बेहद खुशी है।
दोस्तों एक ऐसे अद्भुत कलाकार के जरिए हम आप तक पहुंचते हैं जिसको देखने सुनने और सराहने लाखों लोग बेकरार और बेताब रहते हैं। हमारा स्क्रीन भी हमें बता रहा है कि इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में आप लोग और केवल हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों से भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका लंदन इज़राइल जैसे कई मुल्कों से हाँ हॉलैंड के लोग तो हमेशा और हॉलैंड के लोगों के लिए तो ख़ास ये कार्यक्रम जो है वो सरमाए से कम नहीं है क्योंकि ये हमने देखा है मुख्तार जी के साथ इतने सालों से स्टेज साझा कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन में एक हम कलाकारों को भी ये फ़ायदा हुआ है कि इतने सारे अनछुए गीत जो हमने कभी सुने हमें पता भी नहीं था कि मुकेश जी ने ऐसे ऐसे गाने भी गाए हैं तो इसके लिए हम हॉलैंड वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज भी कुछ ऐसे गाने हैं जो मुख्तार जी ने हॉलैंड के हमारी इस ऑडियंस के लिए ख़ास लिए हैं। इनफैक्ट वो जब अभी कह रहे थे हमें कि भाई मैं पहली बार गा रहा हूँ तो आप सोच सकते हैं कि हमने तो कहाँ सुने होंगे जब इतना अद्भुत कलाकार पहली बार वो गीत को छू रहा होगा तो वो कितना खूबसूरत गीत होगा। आइए सुनेंगे वो गीत बाद में लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह रहा था कि इतने सारे लोग हमेशा हमें सराहते हैं और ऐसा नहीं कि केवल मुख्तार जी ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि इनके साथ साथ हमें भी बेहद इज्जत मिलती है। जो फनकार अच्छा करता है उसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं और आपकी बहुत सारी कमेंट्स हमारे म्यूजिशियन दोस्तों के लिए मैं देख रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए जो स्क्रीन से आउट हुआ था तो मैंने जल्दी जल्दी में नज़र दौड़ाई तो बहुत सारे लोगों ने हमारे सभी म्यूजिशियंस को बहुत दिल से दुआएं दिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए परिचय करवा दूँ। ऑक्टोपेड पर राकेश जानी हमारे साथ बहुत अच्छे सुलझे हुए रिदमिस्ट हैं उनके पीछे हमारी इस टीम के लीडर हैं और अहमदाबाद गुजरात के एक बहुत ही प्रोमिनेंट डेडिकेटेड रिदमिस्ट मिस्टर मितेश देसाई हैं। हेमंत जोशी साहब बहुत सारे लोग लिखते हैं जब नाम पता वाह तबला वाला भाई सू वगाड़ो छो तो तबला वाला जो भाई हैं वो हमारे हेमंत जोशी जी हैं। फर्स्ट कीबोर्ड पर अमित चुनारा एक ऐसे ही डेडिकेटेड एंड समर्पित आर्टिस्ट और सेकंड कीबोर्ड पर एक और बहुत बाकमाल आर्टिस्ट रिकेन दास एंड लीड गिटार पर मिस्टर नंदन पुरोहित एक बहुत ही मंझा हुआ कलाकार और हमेशा की तरह आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अपने आपके मोबाइल लैपटॉप क्या कहते हैं बड़े बड़े प्लाज्मा टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आ रहा है वो हमारे बाबा भाई यानी कि विश्व शाह और उनकी टीम के द्वारा हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे और ये बहुत ही सुंदर सा एटमॉस्फियर और सुंदर सा ऑडिटोरियम जहां से हम हमेशा कई कार्यक्रमों को आप तक पहुंचा चुके हैं रिदम मिनीटोरियम कादर भाई मलिक का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे और इसके ओनर जो हैं जनाब मुख्तार शेख साहब उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आइए कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर फिर एक बार एक नसीहत जो आज से बरसों पहले शैलेंद्र साहब हमें दे गए लेकिन फिर कहना पड़ता है कि इंसान गुजराती में कहवाए उसे के कुतरानी पूछड़ी जो वाको ने वाको है ना हम पता नहीं कब सुधरेंगे लेकिन सुधर जाना चाहिए। इतनी इतनी मार कुदरत हमें दे रही है फिर भी इतने इतने अच्छे अच्छे फलसफे महान महान गीतकारों ने हमें सुनाए लिख कर गए सच्चाई बयां करके गए हैं फिर भी हम अगर अब भी नहीं सुधरे तो एक शायर के ये दो शब्द मुझे कहना बेहद लाजमी लगता है कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कहकर मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कहकर कि इंसान को डसने के लिए आजकल इंसान ही काफ़ी है। आइए क्या खूबसूरत गीत फिर एक बार कलम शैलेंद्र जी की संगीत शंकर जयकिशन जी का आवाज़ मुकेश जी और अंदाज सदाबहार कलाकार मुख्तार शाह साहब का सजन दे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन दे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है सजन दे झूठ मत बोलो तुम्हारे महल चौबारे
यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्तों साथियों। आज का जो प्रोग्राम है, थ्री इवेंट्स, अलका जी और रोहिणी जी फ्रॉम यूएसए, इनके ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम उनके बहुत ही आभारी हैं कि आज उन्होंने ये मौका दिया इस खास इस प्रोग्राम को, मुकेश जी के सोलो सॉन्ग्स को मदर्स डे स्पेशल के रूप में आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ शुरू से अब तक जुड़े हुए हैं। तकरीबन हम आधे प्रोग्राम पर पहुंचे हैं और अभी और आधा प्रोग्राम आपकी सेवा में प्रस्तुत करना है। एक बीच में मैंने प्रोग्राम किया था जो अनप्लग्ड टाइप का पूरा प्रोग्राम था, जिसमें एक ही सिर्फ म्यूजिशियन थे मेरे साथ कीबोर्ड पर। तो काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि प्रोग्राम में कभी एक जगह कोई ऐसा आता है कि जहाँ पर मैं एक दो गाने सिर्फ कीबोर्ड के सुर लेकर गाता हूँ। तो यहाँ पर एक गाना जो इससे पहले भी मैंने गाया है, कई दोस्तों की फरमाइश थी कि आज के प्रोग्राम में वो उसी तरह से हम शामिल करें, तो सिर्फ कीबोर्ड पर वो बहुत ही मशहूर गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो संगीतबद्ध किया हुआ गीत है फिल्म शोर से, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस मुश्किल दौर में ये गाना बहुत ही मीनिंगफुल है। हमें दोस्तों का साथ चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए। ऐसे नेगेटिव वक्त के वक्त में ख़ास तौर से पॉजिटिविटी लेने के लिए संगीत का सहारा, अपनों का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा।
मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वक्त जब मुश्किल होता है तब वो गुजरते हुए बहुत लंबा लगता है, लेकिन वक्त जो है वो कभी ना कभी तो गुजर ही जाएगा। और इसी गाने में ये भी कहा गया है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छा कर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की दवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू। क्या बात है, जिंदगी का कितना खूबसूरत और कितना सच्चा फलसफा। संतोष आनंद जी को जितना वंदन करें कम है, कलम बहुत कम चली फिल्मों के लिए, लेकिन जब भी कहते हैं उन्होंने लिखा, कलेजा चीर के हमारा छलनी कर दिया है। क्या खूबसूरत बात लिखी है कि और कुछ भी नहीं, जिंदगी तेरी मेरी कहानी है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, परिवर्तन संसार का नियम है, हमेशा मुख्तार जी कहते हैं, है ना। तो ये बुरा दौर, ये बुरा वक्त भी टल जाएगा और हमारे नए खुशियों के दिन ज़रूर ज़रूर आएंगे। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, बस अगर कुछ नहीं छोड़ना है तो वो है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहारा हम बनेंगे, अपने परिवार का सहारा बने, अपने दोस्तों का सहारा बने, अपने समाज का सहारा बने, अपनी सोसाइटी का सहारा बने रहेंगे ऐसे कठिन और मुश्किल वक्त में। तो यकीन मानिए ये घड़ी बहुत जल्द गुजर जानी है। बहुत धन्यवाद आपका। आइए, मुकेश जी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक, उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो गुजराती ब्राह्मण कन्या से उनके विवाह हुए थे, लव मैरिज थे मुकेश जी के, जो बड़ौदा निवासी थी हमारी बच्ची बहन, उनको प्यार से परिवार में कहा जाता था। और इसी नाते शायद हो सकता है कि उनके जो 1053 या अभी नई एक उनकी वर्णमाला कुछ आई है, उसमें कुछ 50-53 गानों की बढ़ोतरी के साथ अब कहते हैं कि 1100 के करीब मुकेश जी के गाने हो चुके हैं। हरीश रघुवंशी जी ने उसमें कुछ लेटेस्ट एडिशन अपग्रेड किया है अभी, जिसका जिक्र अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा। तो 1100 जो गीत है उसमें सबसे ज़्यादा तो हिंदी फिल्मी गीत, फिर दूसरी पादान पर मुकेश जी के गाए हुए गुजराती फिल्मी और नॉन फिल्मी गीत आते हैं। वैसे तादाद बहुत कम है उसकी भी, तकरीबन 50 के करीब ही है, लेकिन वो भी बेहद पॉपुलर, बहुत ही मशहूर। अगले पादान पर हमारे इस कार्यक्रम में मुकेश जी के एक ऐसे ही खूबसूरत गुजराती गाने को आपके अपने फनकार आप तक पहुँचाएंगे। Oh, oh, oh.
મારા ભોળા દિલનો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો મેં બિનવ્યું વારંવાર કે દિલ સાફ કરી દો મેં બિનવ્યું વારંવાર કે દિલ સાફ કરી દો કોઈ ભૂલ હો મારી તો એને માફ કરી દો કોઈ ભૂલ હો મારી તો એને માફ કરી દો ના ના કહી ના હા કહી મુખ મૌન ધરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો એક બોલ પર એ નામે મારી જિંદગી વારી એક બોલ પર એ નામે મારી જિંદગી વારી એ બે કદર ને ક્યાંથી કદર હોય અમારી આ જોઈને ને રોઈને મન મારું કહે છે આ જોઈને ને રોઈને મન મારું કહે છે શું પામ્યું કહો જિંદગી ભર આહા ભરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો બહુ બહુ શુક્રિયા દોસ્તો સાથીઓ જૈસા ભી કુછ દેર પહેલે મોહસિન બતા રહે થે કે હોલેન્ડ કે જો લોગ હૈ વહાં ઓર સુરીનામ જો દેશ હૈ વહાં મેં બહુત ફોર્ચ્યુનેટ રહા કે દોનો જગહ મુજે જાને કા મોકા મિલા ઓર હોલેન્ડ તો કઈ મરતબા મેં જાતા રહા હું ઇનફેક્ટ અભી યે 5 જૂન કો એક મેરા વૈસે પ્રોગ્રામ હોના થા હોલેન્ડ મેં લેકિન યે કોરોના ને એસી બેન્ડ બજાઈ હૈ કે પિછલે કઈ પ્રોગ્રામ યહાં પર તો કેન્સલ હો રહે અબ્રોડ કે ટૂર ભી કેન્સલ હો રહે સબ જગહ પે આના જાના બંધ હૈ ઓર હમ ભી યહાં સ્ટક હો કે બેઠે હુએ હૈ ઇસીલિયે અભી ઇસી માધ્યમ કા સહારા હૈ જો ઓનલાઈન આપ લોગો કે સાથ હમ જુડ રહે હૈ ઓર ઇસી વજહ સે મુજે ખાસ તૌર સે જો ઓર્ગેનાઇઝર્સ હોતે હૈ ઉનકા શુક્રિયા અદા કરના પડતા હૈ કે એસે કઠિન દૌર મેં ભી ઉન લોગો ને હમેં યે મોકા દિયા એન્કરેજમેન્ટ દી ઓર તાકે ઇસ માધ્યમ કે જરીએ સંગીત કે જરીએ હમ આપકો અપને અપને ઘરો મેં બેઠે મનોરંજન પ્રોવાઈડ કર સકેં ઓર આપકો ખુશી દે સકેં ચાહે કુછ દેર કે લિયે લેકિન સંગીત એક એસા માધ્યમ હૈ કે ઇસકી ખુશી હમેશા બની રહેતી હૈ અગર દિલ સે આપ ઇસે સુનેંગે તો બહોત આપકો એનર્જી દેગા બહોત પોઝિટિવ દેગા જૈસે આપ દેખ રહે હૈ કે જો માસ્ક પહેને હુએ યે લોગો ને વેક્સિન લે ચુકે હૈ ઓર જિન્હોને નહીં પહેને હૈ વો વેક્સિન લિયે બિના લોગ હૈ યહાં પે તો થોડા સા ઉલ્ટા સિસ્ટમ હૈ લેકિન હમ લોગ થોડા ખ્યાલ કરકે વૈસે યહાં સારે સેફ્ટી મેઝર્સ કા ખ્યાલ રખા જાતા હૈ કોરોના કાલ મેં ભી જો હમ પ્રોગ્રામ કર રહે હૈ સો અગલા જો ગીત હૈ યે હોલેન્ડ મેં મેં ખાસ ગાતા હું ઓર વહાં કી ઓડિયન્સ કો સુરીનામ કે લોગો બહોત પસંદ હૈ જૈસા મેને ઇસસે પહેલે ભી કઈ પ્રોગ્રામ મેં ગાયા હૈ ધ રાઇટ એન્ડ ધ રોંગ એક ઇંગ્લિશ મૂવી થી ઓર ઉસમે બીચ મેં એક હિન્દી ગાના થા મુકેશ જી કા ગાયા હુઆ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેં યે ફિલ્મ બની થી વહાં કે કિસી પ્રોડ્યુસર ને બનાઈ થી તો આઈએ યે વેદપાલ વર્મા જી ઇસકે લિરિસિસ્ટ ભી હૈ ઓર સંગીતકાર ભી હૈ આપકો યે ગાના સુનાતે હૈ શામ ઢલી ઓર નિકલે હૈ તારે આ જા રે ચાંદ આ જા નદિયા કિનારે
तुझ बिन अकेले जीना सकेंगे। रो रो मरेंगे नैन हमारे। चाहे जग बैरी हो जाए ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही, जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति। जीवन के अंधियारों में मैं दीपक और तू ज्योति। युग युग से है संग हमारा, युग युग से है संग हमारा। ओ सीप में जैसे मोती, ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही, जब तक संसार रहेगा मेरा तुझसे प्यार रहेगा। जब तक संसार रहेगा मेरा तुझसे प्यार रहेगा। हर जन्म में मुझको तेरा, हर जन्म में मुझको तेरा। यूं ही इंतजार रहेगा ओ मेरे हमराही, क्यों तेरा मन घबराए। अब ये साथ न छूटेगा चाहे जग बैरी हो जाए। ओ मेरे हमराही। जी बहुत बहुत शुक्रिया। द राइट एंड द रॉन्ग, बिल्कुल बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, खास करके सुरीनाम। हम भी आपकी दुआओं से गए हैं और हमने देखा है वहाँ जो दीवानापन है, खास करके भारतीय फिल्मों और भारतीय फिल्मी संगीत के लिए, वो वाकई बहुत अद्भुत है। तो उन तमाम अजीज़, खूबसूरत और प्यारे सुरीनाम के लोगों को हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपनी मातृभूमि से इतने दूर होने के बावजूद कहते हैं अपनी फिल्मों को वो इतना चाहते हैं, अपने संगीत को इतना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो मुख्तार जी
आप सब जानते ही हैं, किसी भी तारीफ, किसी भी तारुफ या किसी भी ऐसे इल्काब के मोहताज नहीं है। मुझे नौशाद साहब याद आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दो लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने हमेशा कही है कि अभी ज़िंदगी के तराने बहुत है, अभी साज़े दिल में फसाने बहुत है। अभी ज़िंदगी के फसाने बहुत है, अभी साज़े दिल में तराने बहुत है। दरे गैर पर भीख मांगो ना फ़न की, जब अपने ही घर में ख़जाने बहुत है। तो ऐसे अद्भुत कलाकार हैं हमारे साथ, वाकई जो किसी ख़जाने से कम नहीं है। और हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, फ़िलहाल तो जितने हज़ारों की तादाद में हमारे साथ जुड़े हैं, टच करके निकल जाने वालों की तादाद तो बहुत बड़ी है, लेकिन कंटिन्यूसली 1000 के करीब लोग हमें अभी भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया उनका। और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्तार शाह साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो उनके पेज पर 2,00,000 फॉलोअर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और तादाद 2,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो हम उसके लिए भी आप सभी जिंदा दिल खूबसूरत और प्यारे लोगों का बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमेशा अपने इस अजीज़ और ख़ूबसूरत फ़नकार को मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, सराहते हैं और सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में ये जो कलाकार है ये कभी कहते हैं कि पीछे हट न करें, हमेशा इनका हौसला बढ़े और ये कुछ ना कुछ नया करने की, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहें। फिर एक बार आइए लौटते हैं दर्द भरे गीतों के बादशाह। मैंने कहा, मुख्तार जी ने भी कहा कि दर्द बहुत ही अनूठा लगता था जब मुकेश जी की आवाज़ में बयां होता था। डेप्थ थी एक अलग गहनता थी। यही वजह है कि मुकेश जी के दर्द भरे गीत जब भी हम सुनते हैं तो जो दिल के टूटे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये गीत नहीं है बल्कि उनकी अपनी एक कहानी है। एक ऐसा ही दर्द भरा गीत फिर एक बार हम बिल्कुल ऑड नंबर है, हॉलैंड, सुरीनाम और उस तरफ के लोगों के, वेस्ट इंडीज़ की तरफ के लोगों के ही लिए ये खास गाना है। बाकी लोग भी ज़रूर इस गाने को पसंद करेंगे, इन्जॉय करेंगे। एक शायर के ये शब्द इस खूबसूरत गीत के साथ, मुख्तार जी आपसे रूबरू हैं कि दो दिन तुमने प्यार जताया, दो दिन तुमसे मेल रहा, दो दिन तुमने प्यार जताया, दो दिन तुमसे मेल रहा, अच्छा खासा वक्त कटा और अच्छा खासा खेल रहा, और अब उस खेल का जिक्र ही क्या, बस वक्त कटा और खेल तमाम। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। दो रोज में वो प्यार का आलम उजड़ गया, दो रोज में वो प्यार का आलम उजड़ गया, बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया, दो रोज में बस इतनी सी है दास्तां बचपन के प्यार की, बस इतनी सी है दास्तां बचपन के प्यार की, दो फूल गुलशन उजड़ गया, गुलशन उजड़ गया, दो रोज में वो प्यार का आलम उजड़ गया, बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया, दो रोज में लेके सहारा यार
याद का कब तक कोई दिए लेके सहारा याद का कब तक कोई दिए बर्बाद कर गया दो रोज में। थैंक यू। प्यार की राहें इस फिल्म से ये गाना था और मैंने आज पहली मर्तबा इस गाने को गाया है तो ये हमें मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का ये गाना। अगला जो गीत है कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत है। अगेन छलिया फिल्म से गाना है। एक गाना इस फिल्म से ऑलरेडी हमने आपको सुनाया है। एक और गीत कमर जलालाबादी साहब ने लिखा है। इस गाने को राज कपूर जी पर फिल्म आया गया ये गाना। पहले कदम
पर ठोकर खाई। सदा आजाद रहते थे हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत गीत था ये, बिल्कुल मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे। जिसका कहते हैं दिल टूट जाता है मोहब्बत की दुनिया में, उसकी दुनिया वीरान सी हो जाती है। और छोड़ के जाने वाले उस साथी को हम लाख कोशिश कर लें, कितना भी पुकार लें, लेकिन ये सच्चाई है कि वो कभी लौट कर नहीं आता। द मुकेश आज के विशेष कार्यक्रम मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रम है, जो कि 9 मई को होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात के चलते हम आज आपके सामने हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, कमेंट्स अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों से आ रही है, उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। कार्यक्रम की अगली पादान पर पहुँचे उससे पहले फिर एक बार बिल्कुल मुख्तार जी ने बहुत ही खूबसूरत बात बताई थी बीच में कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, कि ऐसे कठिन समय में भी वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। दरअसल तो वो बैकबोन है हमारे इस कार्यक्रम के, क्योंकि फंड जो है वो उनसे हासिल होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज के हमारे ऑर्गेनाइज़र अलका जी जो कि लखनऊ से हैं, और रोहिणी जो कि अमेरिका से हैं, उनका भी हम एंटायर टीम द मुकेश की पूरी एंटायर टीम की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए दोस्तों साथियों, दुनिया में बहुत सारे अफसाने हैं, बहुत सारे फसाने हैं, और बहुत सारी बातें भी होती है। कहते हैं कि जितने मुँह उतनी बातें, यही बात है कि जब कोई हमारा अपनी दुनिया से चला जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, चला गया किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी रुक थोड़ी ना जानी है, दुनिया बदल थोड़ी ना जानी है। हो सकता है शायद ये सच्चाई भी हो, लेकिन ये उन्हें पूछें कि जिनका वो साथी उनसे बिछड़ गया है, उनकी दुनिया को वीरान करके चला गया है, क्योंकि उस एक के जाने से उनकी दुनिया में इतना सन्नाटा हो गया है कि उस एक के बदले में अगर 1000 भी आ जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी कमी जैसी की तैसी ही रहने वाली है। फिल्मी दुनिया में भी ये बात 100% सच है कि जो लेजेंड चले गए हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। हाँ, अच्छे लोग आएंगे, नए ज़माने आएंगे, लेकिन जो कारनामा अंजाम देकर ये महान लोग चले गए हैं वो दोबारा कभी नहीं आएंगे। दुनिया हमेशा उनको तलाशती रहेगी, ढूंढती रहेगी और याद करती रहेगी। ऐसे ही चंद लेजेंड्स को अगले गीत के ज़रिए खिराजे अकीदत श्रद्धा सुमन देने की कोशिश है। वो तमाम लेजेंड जो संगीत की दुनिया में शंकर जयकिशन जी के नाम से जाने गए, गीतकारों की दुनिया में हसरत जयपुरी साहब शैलेंद्र जी के नाम से जाने गए, अदाकारों की दुनिया में ग्रेट शोमैन राज कपूर जी के नाम से जाने गए, और गायकों की दुनिया में मशहूर गायक मुकेश जी के नाम से जाने गए, बहुत ही कमाल के लोग थे। उन्हीं की एक टीम वर्क का अद्भुत और नायाब नगमा आइए उन्हीं कलाकारों को समर्पित करते हैं द मुकेश की हमारी अगली पायदान पर। Thank you.
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों। ये जो गाना है, ये गाना YouTube पर एक हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा उनके प्रोग्राम में गाया हुआ मेरा जो पोस्ट किया गया, वो तकरीबन 1 करोड़ व्यू क्रॉस कर चुका है। मेरा किसी और एक शो में गाया हुआ यही गाना मैंने अपनी चैनल में जब पोस्ट किया है, वो भी 80 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं व्यूज़। तो ये बताता है कि इस तरह के गीतों को आप कितना प्यार करते हैं, और इस तरह के गाने जो इतने मीनिंगफुल लिखे गए हैं, हसरत साहब ने इस गाने को लिखा है तो इतने खूबसूरत अंदाज में लिखा है कि वो आप लोगों के दिलों की गहराई में उतरा हुआ ये ऐसा गाना है। तो ये मशहूर गाने हैं, हम उन दिग्गजों के बहुत ही आभारी हैं कि जो अपनी ये लेगेसी छोड़ कर गए हैं, और आज इतने सालों के बाद भी हम उसको उतने ही आनंदित होकर सुनते हैं। अगला जो गाना, हरियाली और रास्ता फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसके सभी गाने सुपरहिट थे, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन संगीतकार हैं, 1962 की फिल्म, मनोज कुमार जी पर फिल्माया गया, मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना। Thank you.
तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ तेरी याद दिल से घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ बहाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से गम इश्क ले फूट दे मेरा दामन गम इश्क ले फूट दे मेरा दामन मैं अपनी लगी हूँ बुझाने चला हूँ बुझाने चला हूँ तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। वाह क्या बात है। फिर एक बार दर्द और मुकेश जी का ये अद्भुत समन्वय है ना, दिलों को तार तार कर देता है। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, छोटी सी वो खुशी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूलने में कई जमाने लगे जिन्हें, किस्सों में वो खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया बड़ी निराली होती है ना, जहां ये एक और तुम्हारी दुनिया को सवार देती है, वहीं किसी दो राहे पर जब साथी बिछड़ जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो दुनिया अचानक से वीरान भी हो जाती है। ऐसे वलवले ऐसे दर्द कई बार हमारे गीतों के जरिए हमारे सामने बयां हुए हैं। असमंजस में पड़ जाते हैं जब किसी ऐसे ही दो राहे पर साथ चलने वाला साथी अचानक से हमारा साथ छोड़ देता है। बेबस और लाचार हैं, कुछ सूझता नहीं, राह नहीं दिखती, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपने आप को आगे ले जाएं। ये वलवले ये वसवसे और ये असमंजस को भी गीतकारों ने बहुत सुंदरता से बयां किया है। दुनिया बाह फैला कर खड़ी है लेकिन आगे बढ़ने का हौसला नहीं है, तो क्या हो, कैसे बढ़ा जाए, आइए यही भाव को यही जज्बात को एक और सुंदर से गीत में आपके हरदिल अजीज फनकार मुख्तार जी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जाऊं कहां बताए दिल
दुनिया पड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये जमीन आसमां भी गए हैं बदल, कहती है जिंदगी इस जहाँ से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सुझे न कोई मंजिल, जाऊं कहां बताए दिल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथियों। कुछ गाने मुकेश जी के तो सभी गाने जो गाए हुए हैं वो मुझे बेहद पसंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ गाने जो सुनने भी बहुत अच्छे लगते हैं, गाने में भी उन्हें बहुत मज़ा आता है। कुछ मेरे ख़ास दोस्तों ने एक गाने की फरमाइश की है जो अगले पादान पर हम आपको सुना रहे हैं। ये मेरा भी अपना पसंदीदा गाना है, उषा खन्ना जी का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है। उनके संगीत में समहाव मैंने देखा है कि मुकेश जी ने बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं, दो वो गाने थोड़े से पॉपुलर इतने ज़्यादा नहीं हुए बनिस्बत अदर म्यूज़िक डायरेक्टर के जो गाने हैं, लेकिन गाने बहुत खूबसूरत हैं। वर्मा मलिक साहब का लिखा हुआ गाना है, दीदार फिल्म का नाम है, 1970 की फिल्म। मेरे ख़ास दोस्तों को ये गीत समर्पित है।
तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को। दर्शन में तेरे मन के कोरे दर्पण में अपनी तस्वीर सजा दूं, अपनी तस्वीर सजा दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को। चंचल चितवन से बिंदिया की चंचल चितवन से बाहों पे खनकते कंगन से पायल की छनकती छन छन से अपनी आवाज मिला दूं, अपनी आवाज मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को, तेरी अंगड़ाई में मिला दूं, बोलो तो गीत बना दूं, तेरे होठों को, तेरी लाली को, तेरे यौवन की हरियाली को। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों, M3 इवेंट्स आप तक पहुंचा रहा है अलका जी एंड रोहिणी जी के सौजन्य से धम्मुकेश। ये विशेष कार्यक्रम आज मातृ वंदना यानी कि मदर्स डे के मौके पर दुनिया की तमाम माओं को विशेष करके हमने समर्पित किया। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद हमेशा की तरह आपके हमें मिले, हम बहुत आभारी हैं दोस्तों साथियों। द गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश जी श्री मुख्तार शाह साहब, जो कि मैं कह सकता हूँ ये बड़कपन नहीं है मेरा, बिल्कुल ये हक बात है कि एक प्रोडक्ट है मुकेश जी और उसका एक बहुत ही सशक्त कंटेंट है, वो है मुख्तार शाह साहब। दुनिया भर के लोगों ने इन्हें बहुत चाहा है। ये बात इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि जैसा इन्होंने जिक्र किया था, इनके एक दो वीडियो का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे और उसको सर्च करेंगे, उसको टटोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक नहीं अनेकों वीडियोस ऐसे हैं जो मुख्तार शाह साहब के द्वारा गाए गए गीतों के हैं और जिसमें लाइक और चाहने वालों की तादाद करोड़ों हैं, लाखों की तादाद में। तो ऐसे अद्भुत कलाकार आज आप तक पहुंचे थे, अनकरीब हैं हम आज के इस कार्यक्रम के। हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे फिर एक बार हमारे अलका जी लखनऊ से जो बिलोंग करती हैं उनका, और रोहिणी जी जो अमेरिका से बिलोंग करती हैं उनका, और यस
M3 इवेंट्स का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो कि मुख्तार जी का अपना होम प्रोडक्शन है, जो इतने सुंदर से कार्यक्रम हमेशा आप तक पहुंचाते आए हैं। मितेश देसाई और साथियों ने सुंदर सा साजों का समा बांधा, वहीं रिदम मैनिटोरियम जैसे प्यारे से ऑडिटोरियम से हम फुल HD क्रोमा विश्व सा और टीम के जरिए आपकी स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं। माओं को समर्पित ये कार्यक्रम हमेशा मुझे याद आता है तो मुनव्वर राना साहब जैसा अजीम शायर, जिसने माँ की अजमत को यानी गज़ल को महबूबा से उठा करके माँ का उन्होंने कहते हैं रूप दिया, उस स्वरूप दिया, वरना गज़ल में कभी भी माँ को इतना आला मकाम नहीं दिया गया। तो मुनव्वर राना साहब के एक शब्द के साथ, एक शेर के साथ, चूँकि अगला जो गीत है वो भले ही एक पुरुष व्यक्तित्व पर पिक्चराइज किया गया है, लेकिन एक लोरी है, और लोरी जब जब कहीं भी हम सुनते हैं तो बड़ी सहजता से हमें अपनी माँ की गोद याद आ जाती है। ये दुनिया की सच्चाई है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हिंदी जबान से प्यार है और टेलीविज़न पर या आपके टेप रिकॉर्डर पर या CD प्लेयर पर आप लोरी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जहन में आपको माँ याद आ ही जाएगी, भले वो लोरी सुनील दत्त साहब के अंदाज़ में मुकेश जी की आवाज़ की हो, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। तो आइए माँ को समर्पित कार्यक्रम का एक बिल्कुल खूबसूरत गीत मुनव्वर राना साहब के इन शब्दों के साथ, कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। तो आइए उसी माँ को समर्पित है ये अद्भुत गीत, फिल्म का नाम मिलन, आपके अपने फनकार मुख्तार शाह। राम करे हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तुम्हें मिल जाए, मैं जागूं सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तुम्हें मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया, बदल लो मैं तो से अखिया, गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतिया, बदल लो मैं तो से अखिया, बस में अगर हो ये बतिया, मांग दुआए हाथ उठाए मेरी निंदिया तुम्हें मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। जमाना दर्द का है एक फसाना, मैं ही नहीं तू ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना याद करे घर
भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। हो राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं, मैं जागूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथियों। प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं और सभी से वैसे आपकी पहचान हुई, मोहसिन की वैसे पहचान देना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पिछले तकरीबन लॉकडाउन के दरमियान में जो भी हमने 50 प्रोग्राम के आसपास तकरीबन प्रोग्राम किए, उनमें से ज़्यादातर अधिकतर प्रोग्राम में 80% प्रोग्राम में मोहसिन मेरे साथ रहे हैं। जो इनका अंदाज़ है, तरीका जो इनका बोलने का, जो अल्फाजों का सिलेक्शन होता है, जो शायरी बीच में बोलते हैं, इतने मीनिंगफुल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, वो आप लोग भी समझते हैं और जो आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप ये बात नोटिस करते हैं कि ये इनका होमवर्क होता है कि जो ये प्रोग्राम के बारे में तैयार करके घर से आते हैं। तो इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा मटीरियल ये आप लोगों के सामने पेश करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। और मैं यहाँ पर ज़ाती तौर से मोहसिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सभी प्रोग्राम में इनका साथ मुझे मिलता रहा और आगे भी मिलता रहे, ऐसी उम्मीद हमेशा बरकरार है। दोस्तों साथियों, बहुत सारे कुछ दोस्त हैं जो व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़े होते हैं, वो हमेशा पूछते हैं भाई नेक्स्ट प्रोग्राम आपका ऑनलाइन कब आप कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दें अगला हम प्रोग्राम अपनी यूट्यूब चैनल पर 10 दिन के बाद 25 तारीख को हम करेंगे, और वीकडेज है लेकिन 25 तारीख को लाइव ये प्रोग्राम हम अपर यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, एंड स्पेशली थैंकफुल टू अलका जी एंड रोहिणी जी फ्रॉम USA, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बहुत ही मस्ती भरा गाना, अगेन उषा खन्ना जी का संगीत है, लाल बंगला फिल्म का नाम है और हिंदी वर्षा आपका लिखा हुआ ये गाना है। ओ, चांद को क्या मालूम चाहता है
उसे कोई ठकुर। अपनी जीवन दो ओ चांद को क्या मानू, चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मानू, चाहता है उसे कोई चकोर। ओ थैंक यू वेरी मच दोस्तों साथियों, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। 25 तारीख को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वक्त कठिन है लेकिन बहुत जल्द गुजर जाएगा, हौसला बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अगले प्रोग्राम में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारे सभी कलाकारों के साथ मौसम और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।